ट्रू गॉस्पल। आइए हम ट्रू गॉस्पल के बारे में बात करते हैं। हाउ मच नो योर सिन, स्पीक टूवर्ड्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मोर प्लस पॉजिटिव। हमें हम्बल रहना है, हम्बल इन द सेंस कि हमें नम्रता से बात करनी, नम्र रहना है लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने भी। आइए हम जर्मिया 17:5-15 पढ़े। रिपेंट, पछतावा करो अपने पाप का। इफ़ यू डू नॉट फाइट अगेंस्ट सिन देन यू कैन नॉट ओवरकम। अगर आप पाप के सामने लड़ते नहीं हो तो आप कभी विजय नहीं पाओगे। आइए हम पास्टर जेम्स चा ने जो बातें कही उस पर फोकस कर, थोड़ा फोकस करो उस पर। जैसे कि पास्टर जेम्स चा ने 3 वर्ल्ड व्यूज आप दिए थे। पहला, वो लोग क्या करते हैं अपने आईने में देखते हैं वो लोग। पहला, बिहेवियर। चिकन का ब्लड अपने बेबी पे लगाते हैं, बिहेवियर। वैल्यू, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन, ये जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए। बिलीफ, इट कीप्स ईवल स्पिरिट अवे, ईवल उससे दुष्ट आत्माएं अलग रहती है, नहीं आती है, दूर रहती है। वर्ल्ड व्यू, ये वर्ल्ड व्यू था, वर्ल्ड व्यू। पहला बिलीफ, वैल्यू, बिहेवियर। अभी हम 3 मेजर वर्ल्ड व्यूज देखेंगे, 3 मेजर वर्ल्ड व्यूज देखेंगे। गिल्ट, इमोशंस पहला, सेम ऑनर दूसरा, तीसरा फियर, पावर। आइए हम गिल्ट इमोशंस के बारे में कुछ बातें देखें। गिल्ट इमोशंस में ये है कि मोस्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड को कवर करता है। स्ट्रेस ऑन एबिटिंग बाय द लॉ, राइट वर्सेस रॉन्ग, ट्रूथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोकस इज ऑन द माइंड, लॉजिकल। ये गिल्ट और इमोशंस इनोसेंट्स के बाद थी। अभी हम सेम और ऑनर के बारे में देखेंगे। कोई वेस्टर्न पीपल का ग्रुप नहीं होता, एशिया, लैटिन अमेरिका, मुस्लिम, हिंदू, अफ्रीका, ऑनर को प्रिजर्व करने में स्ट्रेस होता है एट ऑल कॉस्ट। ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए स्ट्रेस होता है कोई भी कीमत पे। ऑनर इज ऑल, उधर ऑनर ही सब कुछ है। आई एम फीवर और पावर की ओर देखें। वी हैव टू कीप अवे ईवल स्पिरिट, हमें ईवल स्पिरिट को दूर रखना है। फोकस ऑन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे फोकस करना है। प्रेयर दैट गॉड गिव्स ड्रीम एंड विजन, ऐसी प्रेयर करनी है कि गॉड परमेश्वर हमें ड्रीम दे, सपना दे और विजन दे, एक रास्ता दे। थॉट, रिपेंडेंस, स्पिरिचुअल क्लीनिंग, इनर हीलिंग एंड डिलीवरेंस फ्रॉम ईवल स्पिरिट्स। 3 वर्ल्ड व्यूज, जैसे कि 3 प्राइमरी कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन। बाइबल कहता है देर इज नो सिंगल वर्ल्ड व्यू दैट इज अवे फ्रॉम बाइबल, ऐसा कोई भी वर्ल्ड व्यू नहीं है जो बाइबल से अलग हो, अवे हो, दूर हो। हम जेनेसिस 3 में देखेंगे जो कि सेम शर्म, गिल्ट और फियर के बारे में बताता है। हम जेनेसिस 3:7-11 पढ़ेंगे। इसमें अब ये इंसान और इंसान के बीच में है, सेम गिल्ट एंड फियर आता है हमारे जीवन में आदम और ईव तक, व्हेन ही कमिटेड सिन। ये सेम गिल्ट फियर तब हमारे शरीर में था जब आदम ने पाप किया, आदम और हेवा ने पाप किया।
आइए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि परमेश्वर इस दुनिया में आया ताकि सेम फियर और गिल्ट को दूर रख सके। व्हेन ही टेक अवे अवर सिन बाय डाइंग इन द क्रॉस, वो दूर रख कर दिया था जब उसने जब वो क्रॉस पे हमारे लिए जो जब उसने अपनी जान दी तब। आइए हम कुछ वर्सेस देखते हैं, जैसे कि इज़राइल 53:10 टेक अवे गिल्ट, रोमन 9:33 टेक अवे सेम, प्रोवर्ब्स 2:14-15 टेक अवे फियर, जीसस क्राइस्ट ग्रो द किंगडम ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर का किंगडम ग्रो किया। John 3, John 8, Leviticus 20:10, John 9, Acts 19:18-20। थैंक यू फॉर लिसनिंग।